आज रेडियो D3 क्लब में नेक्स्ट मैच है CPL का, जो कि बारबाडोस वर्सेस सेंट लुसिया है, और इसकी टीम मैं बताने वाला हूं। अगर आपके पास 3 ब्रॉन्ज कार्ड हैं तो आप इस कॉन्टेस्ट को खेल सकते हैं, जो कि स्टार्टर कॉन्टेस्ट है। और इसमें आज आपको किसको कैप्टन बनाना चाहिए तो आज मैं आपको बताऊंगा, और आप कैसे 3 ब्रॉन्ज कार्ड से जीत सकते हैं D3 क्लब वो भी बताऊंगा। तो आप को आज वो मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है केवल 3 ब्रॉन्ज कार्ड से। तो चलिए, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन में आ गया हूँ और मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं आपके ऊपर D3 क्लब लिखा हुआ है। मैं इंडिकेट कर देता हूँ ये, तो मैं इस D3 क्लब में जाऊंगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करना है ये एप्लीकेशन, तो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। अब मैं इनकी होम स्क्रीन में आ गया हूँ D3 क्लब की, और D3 की होम स्क्रीन को आप देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट मैच जो है 3 घंटे बाद है, बारबाडोस और सेंट लुसिया किंग्स का। तो इसमें मैं जो टीम बनाने वाला हूँ वो आपके लिए टीम है, और सबसे मिनिमम प्राइस की है, मतलब ब्रॉन्ज कार्ड वाली टीम बताऊंगा। मेरे पास सिल्वर कार्ड भी है, और मैं मैच के पहले और कार्ड्स भी खरीदूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए मैं केवल ब्रॉन्ज कार्ड वाली टीम बताऊंगा, सो दैट आप लोग भी खेल सकें और विन कर सकें। तो चलिए पहले मैं दिखा देता हूं कि अभी जो मैच है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो कि मैच शो हो रहा है ऊपर, बारबाडोस और सेंट लुसिया किंग्स। और इसकी प्राइस देख सकते हैं आप, बिन प्राइस यहां पे लिखा हुआ है, टोटल रिवार्ड पूल $3,600 और 685 कॉर्ड्स। तो इसमें क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीनों कॉन्टेस्ट आपको शो करेंगे, स्टार्टर, एक्सपर्ट और एलाइट। एलाइट खेलने के लिए आपको पास एक ब्लैक कार्ड, एक गोल्ड कार्ड, एक सिल्वर कार्ड होना चाहिए। मेरे पास नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है बाई कार्ड टू अनलॉक, लेकिन मेरे पास सिल्वर कार्ड है, क्योंकि एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट में हम लोग आ गए। एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट में आपके पास कम से कम एक सिल्वर कार्ड चाहिए, और एक मैक्सिमम क्या हो सकता है आपके पास, एक गोल्ड कार्ड। तो मतलब एक गोल्ड कार्ड और 2 सिल्वर कार्ड के साथ आप एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। अगर मैं इसमें ज्वाइन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, और यह जैसे कि मेरे पास सिल्वर कार्ड भी है, रॉयल का, इस कार्ड के गुलाइन और ये सारे प्लेयर हैं, लेकिन मैं एक्सपर्ट कॉन्टेस्ट को अभी ज्वाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप केवल 3 ब्रॉन्ज कार्ड से कैसे जीत सकते हैं D3 क्लब को। तो मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं मैच के पहले ज्वाइन करूंगा, और इसमें गोल्ड कार्ड भी ऐड करूंगा। लेकिन आज का वीडियो केवल आप लोगों के लिए है कि आप टीम कैसे बना सकते हैं, कैप्टन किसे बनाना चाहिए आज के मैच में, तो उन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपको मैं बैक आ गया, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं स्टार्टर में आ गया, एंट्री फॉर फ्री लिखा हुआ है, मैं इसमें क्लिक करूंगा, और इसमें क्लिक करने के बाद मेरे पास ये, मेरे पास मैंने 3 प्लेयर्स को ख़रीद लिया है, और 3 प्लेयर्स के तीनों ब्रॉन्ज कार्ड हैं, तीनों बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जॉनसन चार्ल्स फॉर्म में नहीं है, लेकिन तो भी मैं लिया हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है, क्योंकि ओपनिंग करता है और ऐसा प्लेयर है कि ये कभी भी हिट कर सकता है। अगर 30-40 रन भी बना दिए तो आपके विन करने के चांसेज बढ़ जाएंगे। और कॉर्बिन बॉस्क जो है यहाँ पर मैंने ले लिया, इस कार्ड के गुलाइन जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, कॉर्बिन जो कि अफ्रीकन प्लेयर है, बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है और बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहा है। अब मैंने ज्वाइन चूज टू कैप्टन कर दिया, कैप्टन मैं बनाऊंगा कॉर्बिन बॉस्क को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फॉर्म में है। अभी यहाँ पर वेस्ट इंडीज में ही 60 जो वेस्ट इंडीज की है उसे खेल के आया है, और वहाँ पर हर मैच में 3 विकेट और 50 भी लगा के आया है, तो इसलिए मैं आज का कैप्टन इसे बनाऊंगा, किसे, कॉर्बिन बॉस्क को। आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे ज्वाइन कॉन्टेस्ट कर देना है। तो ये मेरा कैप्टन बन गया और आज की टीम बन गई। तो आप भी इन तीनों के ब्रॉन्ज कार्ड खरीद सकते हैं, और ब्रॉन्ज कार्ड खरीदने के बाद आपको ये टीम बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, अब मैं बैक आ गया, बैक आने के बाद स्क्रीन में आपको ऐसे दिखेगा, 1 कॉन्टेस्ट 1 टीम, इसमें क्लिक करोगे तो आपकी ये टीम शो होगी। अगर आप मैच के पहले लाइनअप में कोई प्लेयर नहीं है तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, जो कि एडिट लिखा है, तो मतलब आप न्यू प्लेयर ऐड कर सकते हो, अगर ये 3 प्लेयर में से कोई नहीं खेल रहा तो। तो यह वीडियो आई होप इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको D3 क्लब या रेडियो D3 क्लब से के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं।
अगर आज का यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।